वेलकम गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 6 विटामिन की, जो कि लोअर कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और क्विकली हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपका जो भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों की है इंडिया में, तो हम इस स्लाइड में यही बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल का। देखिए दोस्तों, विटामिन बी से लेके सी, ई, के टू एंड डी एज वेल एज ओमेगा 3, एज इट कैन हेल्प रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। कंसल्ट विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर टेकिंग सप्लीमेंट। अगर आप ले रहे हो, कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विटामिन सी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विटामिन सी क्या है? ऑरेंज क्या है? बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी लोअर कोलेस्ट्रॉल कर देता है, और स्ट्रॉबेरी, कीवी फ्रूट और पेपर्स में इसको ये मिलता है। अगले की बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में कौन नहीं जानता। नट्स एंड सीड में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो भी हरे पत्तीदार होती है, विटामिन ई सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कैप्सूल्स अगर एक्सटर्नली आप लेना चाहते हो, तो इसके कैप्सूल्स भी आती है एवियन के नाम से, वो भी आप ले सकते हैं। विटामिन बी थ्री की बात करते हैं, जिसको दोस्तों नियासिन भी कहते हैं, नियासिन। अब नियासिन बहुत अच्छा हेल्प करता है, ये जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में, दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है ये। तो अगर इसके बात करें तो किस में पाया जाता है, जैसे चिकन, टूना, बीफ, पीनट बटर, इसमें पाया जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगले की बात करते हैं विटामिन ई, बीटा कैरोटीन। दोस्तों गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट और आँखों के नरिशमेंट में सबसे ज़्यादा, और लोअर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले की बात करते हैं, फाइबर एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत अच्छा सोर्सेज माने जाते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। और दोस्तों, हाउ टू इनअप्रोप्रिएट दीज विटामिन इन योर डाइट। विटामिन सी, ई, बी, बी टू, नाइसिन एंड फोलेट कैन हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। इनअप्रोप्रिएट फूड्स आर लीफी ग्रीन, नट्स एंड फ्रूट। योर डाइट में रख सकते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल जो है वो सुधार सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।